साइलेंसर तो मोदी खा जाना। पहुंच चुके हैं दिल्ली में। आज का व्लॉग जो है गाइस वो दिल्ली में स्टार्ट हो रहा है और इस टाइम पे हमारे पास है Z900 बड़ी है, कुछ डिफरेंट चीज है इसकी, तुम आवाज वगैरह देख पा रहे होगे। ऑसम, एकदम अलग चीज है। अभी होटल में जाते हैं, आपको सारी चीजें बताते हैं क्या सीन है, अभी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं। गाइस हमने जो अपना गोल्ड प्ले बटन है उसके लिए अप्लाई कर दिया और अपना गोल्ड प्ले बटन जल्द से जल्द आने वाला है और साथ में एक बाइक राइड हमने अरेंज करवाई है भाई, एकदम मस्त भयंकर। बाकी ना जो एक्साइटमेंट है ना मेरे लिए गाइस वो है अपने गोल्ड प्ले बटन के लिए। आपने कभी सोचा था कि मतलब अभी तो जम्मू कश्मीर में ऐसा सीन है ना कि 1M टच होने के बाद अपने डिस्ट्रिक्ट में पहला गोल्डन प्ले बटन आने वाला है। पहला सिल्वर प्ले बटन भी आमिर माजिद के नाम से आया, जो सेकंड बटन है अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन में वो भी हमारे नाम से होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नीचे चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और सीधा चलते हैं प्रिंस भाई के पास। ये रही अपनी भूजा और इश्तियाक जी, क्या बोलते हो, सही लगेगी क्या अपने पे? ये ऐसा हो गया ना कि कोई सा भी बाइक चाहिए हो तो भाई कहता ले जाओ। अभी क्या सीन है ना, मैं चाहता हूँ कि अभी वो ना फुली स्पोर्ट में, तो स्पोर्ट से ना मेरा थोड़ा हट गया, मतलब मेरे को ना ऐसा बाइक नहीं चाहिए जिसपे ना बंदा बहुत ज्यादा झुक जाए, तो आई थिंक भूजा से ही रहेगी, मतलब स्पोर्टी भी है एंड बैक साइड आयरा के लिए कम्फर्टेबल एकदम। बैक साइड की सीट अगर आप देखोगे तो एकदम मस्त है यार, लग रहा है यार कि हमें भूजा उठानी चाहिए। भाई लोग अपनी फर्स्ट राइड है भूजा पे और आज भूजा पे तबाही होगा भाई। देखो ये बाइक बहुत बड़ा है बट अपने को ना इसका हैंडल बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब बहुत सही लग रहा है यार। क्या बात है, एक नंबर भाई, असली मजा भूजा भाई है। सिंपल सी जो बात है ना, तुम्हें मजा लेना ना तो तुम भूजा पे आओ भाई। क्या था, जब मैंने इनसे बाइक लिया था तो मैंने भाई को बोला था कि भाई जैसे मैं मतलब 1M होंगे ना तो मैं आपके पास पक्का आऊंगा एंड अभी मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। मिलो रानी के बाद गाइस सीधा हम भूजा उठाने वाले हैं, मजा आएगा। पर मेरे को जो ओल्ड वाला एडिशन है ना, मेरे को वही वाला चाहिए। यहाँ पे शाम हो चुकी है, हल्का हल्का ट्रैफिक आपने को देखने को मिल जाएगा। अभी देखते हैं प्रिंस भाई हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने उनको बोला था कि मेरे को एक ओपन रोड चाहिए, ये बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, हालत बहुत खराब हो रही है, टेक्निकली ग्रीन नहीं हो रहा भाई लोग। और ये हमारी कावासाकी 1000 निंजा, ये भी सेल पे है गाइस, बहुत अच्छी बाइक है। अच्छा बताऊं तो तुम्हें अपना सही सही राय दूंगा ना भाई, इसका ना इससे जो गाड़ी है भाई हीटा बहुत ज्यादा होती है, अपने ना पिछवाड़े से पसीना आ रहा है इसको लेके। सिग्नल हरा होगा या नहीं होगा भाई? वही 2 मिनट हो गए यहाँ पे। तो भाई लोग यहाँ पे हमारा सिग्नल तो हरा हुआ है बट ट्रैफिक वही है, अभी गाड़ियाँ चल ही नहीं रही है। अभी हमें रास्ता तो पता ही नहीं है, भाई हमें रास्ता दिखा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, अरे भाई बाइक है क्या, अबे तुम्हें लगेगा ही नहीं कि पहले गियर में चल रहे हो, मतलब वो हैवीनेस होती ना बाइक की, फील ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा भाई क्या बताऊं यार। अभी प्रिंस भाई तो बहुत पीछे रह गए, अभी तो तुम्हें बता देता हूं, अभी हम मुंबई जा रहे हैं आज रात को, शायद हम गाइस कल रात को हम ट्रैवल किंग के साथ थे एंड आज रात को हम शायद अजमेर जा रहे हैं और बहुत सही है यार। अजमेर मतलब अजमेर से होते हुए इंदौर जाएंगे, इंदौर से होते होते मुंबई जाएंगे एंड लेट्स सी के मुंबई का क्या सीन रहेगा। उन्होंने ना मेरे को ये बाइक लेने नहीं दी थी, उन्होंने कहा कि आमिर भाई तुम्हें सूट नहीं करेगा। सच में ये बाइक ना थोड़ा मतलब थोड़ा अलग लुक देता है, ये थोड़ा स्पोर्ट्स टूरर है, इन्होंने कहा कि तुम पे ना मतलब समझ रहे हो, तब मैं थोड़ा पतला था बट इस टाइम पे मेरा वेट 75 kg होने वाला है, 74 मैंने कराया था आज से एक हफ्ता पहले, आज 75 हो गया होगा, बिकॉज हम ना पेटू बहुत हो रहे हैं, हम खा भी रहे थोड़ा ज्यादा है दबा कर इसी कारण। प्रिंस भाई भी एकदम से ना खुश हो गया, इनको मैंने रात को एकदम से सरप्राइज दिया था, मतलब एकदम से आ गया। पहले मैंने उनको कॉल किया कैसे हो, कहते हाँ भाई आज कैसे याद कर लिया, मैंने कहा मेरे 1M हो गए, तो कहते हाँ मुझे पता मैंने विश वगैरह किया था। फिर अचानक से जब मैं इनके रात को बिल्कुल घर के बाहर, तो भाई एकदम से हैंग हो गया कि अरे भाई तुम कैसे आ गए। अभी दिल्ली के बारे में क्या बताऊं तुम्हें, यहाँ पे दिन में ना एकदम गर्म रहता है और इवनिंग के टाइम एकदम सही रहता है। अगर तुम्हें मैं ये बोलूंगा कि शिफ्ट होना ना ब्रो, तो तुम दिल्ली में भी हो सकते हो, मुंबई में भी हो सकते हो। देखो हम अपने जम्मू को छोड़ने तो वाले नहीं है बट घूमने तो जा ही सकते ना भाई लोग कुछ दिनों के लिए। पूरा रिएक्शन खतरनाक ठोक के रिएक्शन आ रहा है, तुम्हें बता नहीं सकता, मतलब इतना खुश हो रहा हूँ ना कि अपन दिल्ली में आए, भाई से मिले, बहुत सही, बहुत प्यार है दिल्ली से, बहुत प्यार है भाई, मतलब बहुत सारे चाहने वाले हैं यार। अभी मैंने स्टोरी वगैरह नहीं डाला था बिकॉज मेरे को ना आज रात को अजमेर निकलना है, अजमेर श्री मैंने पापा को बोल के रखा था, पापा बोल रहे थे कि तू कितने बजे भी पहुंच, बस अजमेर पहुंचाना, मैंने कहा हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ, अभी राजस्थान तक पहुंच जाएंगे। आज हमें नियर अबाउट 400 किलोमीटर चलना है, तो व्लॉग में तुम देख लेना कि क्या सीन रहता है क्या नहीं रहेगा, कल का व्लॉग भी एकदम धासू रहेगा धासू। अभी भूजा नीचे हो तो कौन नहीं जाएगा यार, मैं बाइक ना भगाऊं, अभी पहले गियर में रैम करूंगा ना तो
पता नहीं 140 जाएगा कितना जाएगा ये। और आज ना भाई भी ब्लॉक कर रहा है, अदरवाइज ये ब्लॉक करते नहीं है, बट आज मैंने इनको ना मजबूर कर दिया। प्रिंस भाई हमारे साथ रेस लगाना चाहते हैं भाई, एक नंबर सीन है भाई। अभी इस टाइम पे ना इवनिंग के टाइम है, जो दिल्ली में राइड करने का मजा ना आई थिंक वो कहीं पे भी नहीं होगा। अभी मुंबई तक तो हम पहुंचे नहीं है, लेट्स सी के वहाँ पे क्या सीन रहेगा, मतलब इस तरह का फील आएगा कि नहीं आएगा वो तो हमें मुंबई में ही पता चलेगा भाई। अभी हम पता नहीं कौन सी जगह पे आ गए हैं, प्रिंस भाई हमें लेके आ गए हैं और आराम आराम से चल रहे हैं एकदम। ये हम कहाँ गए देखो, नहीं यार खाने वाने का नहीं, पैक करा लो तुम, तुम्हें कुछ लेना है तो पैक करवा लो। एक नंबर साउंड है तो भाई लेके आए ना, जगह देखो कितनी साफ है यार, मतलब तुम्हें अगर ब्लॉग वगैरह शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे एकदम मस्त ब्लॉग शूट होंगे, खतरनाक। अभी भाई ने ना हमारे लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा था, मतलब केक कट वगैरह रखा है, तो मैंने भाई को बोला था पहले राइड कर लेते हैं फिर उसके बाद केक कट करेंगे, तो अभी हम इसके बाद जाने वाले हैं डेविल किंग और हल्का सा केक कट वगैरह करेंगे भाई लोग। अभी यहाँ पे पहला दिन था आज मेरा दिल्ली में, और आते ही अभी भूजा की राइड ले ही रहे थे हम, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी बट कोई ना, अभी प्रिंस भाई आते हैं लेट्स सी क्या रहता है। एक्चुअली जो भी गाड़ी लगती है ना तो वो करते हैं इसके लिए, ब्रांडिंग टाइप किया उन्होंने। अरे ब्रांडिंग टाइप है, नंबर प्लेट तो यहाँ लग सकती है इसकी, नहीं इसके यहाँ पे है नंबर इसका, यहाँ पे नंबर प्लेट 300 पे। हाँ पूरी दिल्ली में कहीं होगा रोड, नहीं आगरा वाले रोड पे चले जाओ ना आप, आगरा वाले रोड पे भी इतना वो नहीं है, नहीं चले जाएगी 300 इजी चले जाएगी सर। यार चलाने में तो अभी बाइक पकड़ लिया, अब लेट्स सी यार राइड होगी या नहीं होगी, बिकॉज अंधेरा हो रहा है ना तो बहुत दिक्कत हो रही है। सीट बेल्ट यहाँ से निकले, यहाँ पे पहला दिन था आज मेरा दिल्ली में, और आते ही अभी भूजा की राइड ले ही रहे थे हम, भी ले जाओगे तो मैं कैसे परचेज करूँ, मेरे कागज मिल जाएगा, मैंने आपको लाइसेंस दिखाना, मतलब ये चेपी को दे दो खुद, ठीक है दे देंगे, आगे लगा लेंगे ना चेपी गेम में रख लो। दूसरी बात एक और बात भाई लोग, अभी प्रिंस भाई ने बात कर ली और हमें छोड़ दिया गया, प्रिंस भाई देखो यहाँ पर है, और मतलब बहुत अच्छा खासा सीन होने वाला था, बहुत गजब का सीन होने वाला था, बट अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, छोड़ दिए गए हैं हम। अभी ऐसा ना जब तुम प्यार से बात करो, दिल्ली पुलिस अच्छी बहुत है यार, मतलब तुम्हारी बात ना सुनेगी, सिंपल सी बात है ना, तुम्हारी बात सुनेगी अगर तुम प्यार से बोलोगे तो। अभी हमारी राइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अभी फिर से हम वापस आ चुके हैं डेविल किंग में, मतलब आज भूजा चला के ना भाई मजा ही आ गया, और इंस्टाग्राम हमारे ढेर सारे शॉट लिए हैं भाई लोग, और थैंक यू सो मच हमारे डेविल किंग वाले भैया। भैया अभी देखो, मतलब मैंने इनको रात को बोला था कि मैं आ रहा हूँ जम्मू से, भाई ने पूरा प्लान करके रखा था कि कल का क्या सीन होगा, मतलब भाई ने ना पूरा इधर देख लिया, पीछे 1 मिलियन इन्हें भी पता लग गया हमारे 1 मिलियन हो गए हैं। अभी देखो भूजा मेरे को इतनी पसंद आ गई ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि यही वाली उठा के ले जाऊँ, ये देख रहे हो यहाँ पे डेविल किंग की चाबी है मेरे पास भाई, कोई सी भी बाइक ले जाओ ना कभी मना ही नहीं करते भाई, क्या हाँ तो भाई मेरे को पता क्या बोलता है, इधर आओ भाई मेरे को बोलता है जीनो सो भी तुम ही रख लो भाई, भाया भूजा लेके जाओ, मैंने कहा नहीं मैंने पहले मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाने दो भाई, जहाँ प्यार होता ना वहाँ पे पैसे की कीमत नहीं मानी सच में। एक चीज और बताओ, जब आप आए थे बाइक लेके गए थे कंपनी, बट्टू कहाँ गया, बट्टू इधर बट्टू शर्मा रहा है, ये हमारे साथ आया था कावासाकी, और ये शर्मा रहा है देखो कैसे देख, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम में वापस, और हमने डिनर वगैरह भी उन्हीं के साथ किया, एंड बात रही अगर बाइक की तो गाइस दिसंबर में डन किया बाइक के लिए, मतलब जैसे ही हमारी बिलो रानी आ जाएगी, बिलो रानी के बाद हम सीधा भूजा ही उठाएंगे, और जिन जिनको नहीं पता होगा बिलो रानी मैंने बुक करा के रखी हुई है, जैसे ही मेरा मुंबई का टूर खत्म होता है उसके बाद हम सीधा जम्मू जाके अपनी बाइक उठाने वाले हैं। एकदम मस्त व्लॉग रहा, मजा आ गया, मतलब आनंद आ गया भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बाकी आज मेरे को कमेंट करके बताना कि किस किस को मैं भूजा पे अच्छा लगा, अभी मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि मैं भूजा पे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज भूजा ना थोड़ी ज्यादा बढ़िया है,
बट अपना भी वेट पहले से गेन हो चुका है, मतलब 75 केजी हो रखा है, मतलब अपना भी वेट हम भी मोटे हो रहे हैं। तो अगर मेरे पे भूजा अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना यार, मैं भूजा के बारे में सोचने वाला हूँ, देन जल्दी लेंगे। नया फेसलिफ्ट आ रहा है, लेट्स सी गाइस क्या रहता है। तो होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा रहेगा। मुझे पता है मैंने 3-4 दिन के बाद ब्लॉग जो है डाला है, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, आई एम सो सॉरी, बट मैं कोशिश करूंगा कि आगे से रेगुलर ब्लॉग्स जो है वो आए। एक बार हम कहीं पहुंच गए ठिकाने पे गाइस, देन उसके बाद कंटिन्यूसली ब्लॉग्स आएंगे मेरे। तो प्यार दो यार, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, तुम बहुत प्यार करते हो। हमारे रैप सॉन्ग पे भी 100K हो गए हैं, मचा डाला तुमने। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बाय।